अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद सिद्दीक। हमारा आज का टॉपिक है व्हाई वाटर लूप ऑलवेज इन सर्कुलेशन, यानी कि हम जो हमारे पास प्योरीफाइड वाटर का लूप सिस्टम है उसमें पानी को हम हमेशा सर्कुलेशन में क्यों रखते हैं। इन अदर वर्ड्स, 24 आवर्स हमारा सर्कुलेशन पंप ऑन क्यों रहता है, इसको हम आज इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा भी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कि हम प्यूरिफाइड वाटर लूप को सर्कुलेशन में क्यों रखते हैं। सबसे पहले इसकी जो बेसिक वजह है वो है टू अवॉइड बैक्टीरियल लोड इन लूप सिस्टम। लूप के अंदर इस वजह से हम पानी को सर्कुलेशन में रखते हैं ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, क्योंकि पानी जब भी स्टेग्नेंट होगा, पानी स्टिल होगा, तो इसका मतलब वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। एज बैक्टीरियल ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल ऑफ मेंटेन वाटर इफ वेलोसिटी ऑफ लूप नॉट लेस देन 1.4 मीटर पर सेकंड। अगर हम लूप की वेलोसिटी 1.4 मीटर पर सेकंड या इससे ज्यादा मेंटेन करें तो बैक्टीरियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम पानी को 1.4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी या इससे ज्यादा की वेलोसिटी के सर्कुलेशन में रखते हैं ताकि हमारे लूप में या हमारे स्टोरेज टैंक में कहीं पे भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना आए। आइए हम देखते हैं कि इसकी हमारे पास जो सेटिंग होती है, हम लूप सिस्टम बनाते हैं सर्कुलेशन के लिए, वो किस टाइप का होता है। ये हमारे पास एक स्टोरेज टैंक है, ठीक है। इसमें ये हमारे पास सर्कुलेशन पंप लगा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल टाइप। नॉर्मली तौर पर सेंट्रीफ्यूगल टाइप मल्टी स्टेज पंप होता है। इसमें मल्टी स्टेज से मतलब ये है कि इससे इंपेलर्स जो है वो एक से ज्यादा होते हैं, दो तीन चार पांच हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यूवी रॉड लगे होते हैं, यूवी लाइट भी कहते हैं इसको, अल्ट्रावायलेट माइक्रोबियल को किल करने के लिए यूज होते हैं। इसके बाद ये हमारे पास एंड यूजर पॉइंट्स हैं, जीरो डेड वेल लगे हुए हैं जहाँ से पानी होके ये हमारे पास ही नैरोस की तरह रिटर्न जा रहा होता है टैंक के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी शो की हुई है, कंडक्टिविटी मीटर। आजकल एक ये भी यूज किया जा रहा है कि जो हमारे पास रिटर्न वाटर आ रहा होता है उसके ऊपर एक हम कंडक्टिविटी मीटर लगा देते हैं, ठीक है, जो सेंस कर रहा होता है कि वाटर की कंडक्टिविटी कितनी है जो रिटर्न हो के आ रहा होता है। क्योंकि हम जो पानी प्यूरिफाइड वाटर बना के दे रहे होते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास कंडक्टिविटी शुड बी नॉट मोर देन 1.3 माइक्रोसेकंड, ठीक है। अगर 1.3 से इधर कहीं लूप में कोई मसला है, एंड यूजर पॉइंट से कोई मसला है, वापसी पे इसकी कंडक्टिविटी 1.3 से ज्यादा होगी तो ये कंडक्टिविटी मीटर सेंस करके उसको ड्रेन करवा देगा, टैंक में वापस नहीं जाने देगा, ताकि हमारा जो फ्रेश वाटर बन रहा है उसको कंटेमिनेट ना करे। अगर उसकी कंडक्टिविटी 1.3 से कम है, रेंज में है, तो ये उसको टैंक में वापस भिजवा देगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे स्टीम सोर्स की लाइन आ रही है, ये नॉर्मली तौर पर स्टीम इंजेक्टेड टैंक होता है ताकि सर्कुलेशन लूप जो है इसका टेम्परेचर भी 72-80 डिग्री तक मेंटेन कर सके। ये टेम्परेचर मेंटेन करना भी हमें वाटर की ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ से अवॉइड करता है। ये टैंक के ऊपर एक वेंट फिल्टर शो किया हुआ है 0.2 माइक्रोन का, ब्रीथिंग फिल्टर भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल सी एक डायग्राम है कि वाटर यू सर्कुलेट हो रहा होता है लूप का और रिटर्न से वापस आ रहा होता है। आइए अब देखते हैं कुछ पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं जो हम प्यूरिफाइड वाटर लूप के हमने मेंटेन करने होते हैं, अदरवाइज हमारा वाटर जो है वो वेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास कंडक्टिविटी है विच मस्ट बी नॉट मोर देन 1.3 माइक्रोसेकंड पर सेकंड, ठीक है। जो वेलोसिटी लूप की हम मेंटेन करते हैं वो नॉट लेस देन 1.4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि 1.4 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी अगर ज्यादा हो या 1.4 हो तो बैक्टीरियल ग्रोथ का होना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम वेलोसिटी 1.4 या इससे ज्यादा रखते हैं। यूवी लाइट जो हमने लगाई होती है वो नॉट लेस देन 10 वाट पर मीटर स्क्वायर होने चाहिए, ठीक है। बस लाइन का जो स्लोप है, लाइन स्लोप से मतलब ये है कि जो मतलब लूप की पाइपिंग चल रही है उसमें स्लोप 1:100 होना चाहिए। इससे क्या होता है कि वाटर के ऑटोमेटिकली एक स्लोप मिल रहा होता है बाय ग्रेविटी, वाटर ऐसा ऐसा उसमें मूव करता है।
एमओसी अप लूप यानी कि पाइपिंग की और स्टोरेज टैंक की जो मटेरियल अप कंस्ट्रक्शन है वो कौन सा होना चाहिए, वो SS3167 ग्रेड होना लाजमी है। वेंट या ब्रीथिंग फिल्टर जो हमने टैंक के ऊपर शो करवाया हुआ है उस वो किस कोर साइज का होना चाहिए, वो हमारे पास 0.2 माइक्रोन के साइज का होना चाहिए। TOC ये हमारे पास नॉट मोर देन 500 PPP पार्ट पर मिलियन विच इज इक्वल टू 0.5 PPM पार्ट पर मिलियन। pH जो है वो 5-7 होनी चाहिए और CFU जो हमारे पास क्लोनीज बनती है वो 10 CFU पर 100 ml ऑफ वाटर इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये मैक्सिमम रेंज है एज पर गाइडलाइंस। ये हमारा आज का टॉपिक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो RO वाटर मेम्ब्रेन है उसको हम क्लीनिंग कैसे करते हैं। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, इसमें वो चीजें जो बेसिक हैं जो आमतौर पर डिस्कस की जाती हैं वो कवर की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लीनिंग के हवाले से देखेंगे और फर्दर वीडियोज भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।